श्री गुरु जी को अलग आदेश, माँ भगवती को अलग आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलग आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। मैंने शुरू से कहा कि प्रेत, भूत या जिन्नात साधनाएं नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज मैं आप लोगों को कलवा साधना दे रहा हूं। कलवा एक प्रकार का भूत होता है। कलवा क्या होता है ये बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मंत्र आपको क्यों दे रहा हूं। कलवा का बहुत सारा प्रयोग है। प्रयोग ना पता होने पर कलवा आपके सुरक्षा का काम करता है। अगर आप कलवा सिद्ध कर लोगे मेरे बताए विधान से, तो आपके ऊपर किसी भी तरीके का वैचारिक प्रयोग या आपके घर के ऊपर किसी भी तरीके का काला जादू या कोई और आत्मा का प्रवेश वर्जित हो जाएगा। इस सोच के साथ मैं आपको कलवा साधना दे रहा हूँ और आप लोग इसको करें। गृहस्थ भी कर सकते हैं, मैं विधान बताऊंगा, और उसके बाद इसको सुरक्षा के दृष्टिकोण से रखें। ये ना सोचें कि इससे कोई कार्य करवाना है। कलवा बहुत तरह के कार्य करने में सक्षम होता है। कलवा छोटे बच्चे जिनको संसार की समझ नहीं होती है उनके भूतों को कहा जाता है। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनको जलाया नहीं जाता है, उनको मिट्टी दी जाती है, उनको धरती में दफन कर दिया जाता है। तो जो भूत होते हैं उनका विचार और व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे वो जीवित होते हैं, लेकिन कलवा ना इनका विचार होता है, ना इनका व्यवहार होता है, ना इनको समझ होती है। ये बिल्कुल भुलाए हुए एक किसी व्यक्ति की तरह भ्रमण करते हैं, और ख़ास करके जहाँ इनके शरीर को दफन किया जाता है वहाँ पर ये विचरते हैं। कलवा को बहुत प्रेम से रखा जाता है। जो सिद्ध तांत्रिक होते हैं वो चाहे तो कलवा को रिलीज कर देते हैं, मुक्त करवा देते हैं, या फिर उनको किसी और के गर्भ में पहुँचा देते हैं। आप लोगों को सिर्फ कलवा सिद्ध करना है। मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है कलवा के साथ। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ एक मसान में हवन कर रहा था, दीपावली की रात थी, शव पे ही हवन हो रहा था, और घेराबंदी किया हुआ था। घेरा के चारों तरफ जो है कुत्ते आकर भौंक रहे थे, लेकिन घेरा में कोई प्रवेश नहीं कर रहा था। मैं काफ़ी मग्न था अपने हवन में। तो हवन के बाद ऐसा लोगों ने बताया कि बहुत सारे बच्चों का रोने का आवाज़ आ रहा था। मैं समझ गया कि उसी श्मशान से सट्टा हुआ एक कलुओं का, मतलब बच्चों का मसान है, तो वहाँ की आत्माएं वो विलाप कर रही होंगी मुक्ति के लिए। इस चीज़ को हमने आया गया कर दिया। ऐसे बहुत सारी एक्सपीरियंसेस होती हैं जब आप मसान में हवन करते हो। उसके 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ हमारे साथ कि हमें ऐसा दिखता था कि हमारे आसपास एक बच्चा है। कुछ भी काम करना हो, जैसे पानी लाना हो या फिर कुछ सामान उठा के, कोई किताब उठा कर कहीं रखना हो, तो वो मैं सोचता था, वो कार्य मेरा हो जाता था। मैं इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहा था। एक दिन मैं कुछ बैठ के लिख रहा था, कोई व्यक्ति मुझसे मिलने आने वाले थे। मैंने मन में ऐसा भाव लाया कि अगर वो अभी आ जाते हैं तो फिर मैं लिख नहीं पाऊँगा, क्योंकि लिखना एक फ्लो में होता है। करीब 1.5 घंटे मैं लिखा, तब तक वो व्यक्ति आया नहीं। बाहर गया, बालकनी से देखा तो उस व्यक्ति की गाड़ी खड़ी थी। मैंने बोला चलो अभी आया है। ड्राइंग रूम में गया तो देखा कि वो व्यक्ति बैठा हुआ है। मैंने बोला तुम अंदर कैसा है, तो उसने बोला कि तुमने ही दरवाज़ा खोला था। मैंने बोला मैं तो 1.5 घंटे से उठा नहीं, वो घर से भाग गया कि भाई तुम्हारे घर में भूत है। ये उस कलुए का अपने मास्टर के प्रति एक वफादारी था कि वो हर एक मेरी चीज़ पर ध्यान रखता था, लेकिन नैतिक तौर पे ये मेरे लिए गलत था, क्योंकि मैं अपनी सुरक्षा का ख्याल रख सकता हूँ और किसी भी अबोध बालक से काम करवाना सही नहीं था। मैंने उसको फिर जा करके रिलीज़ किया गुरु आज्ञा से। आप लोग कलवा रख सकते हैं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से प्रेम भाव से रखिएगा। आप लोगों को करना क्या है, अब मैं आपको विधान बताऊँगा कलवा रखने का, कलवा सिद्ध करने का। 7 दिन में आप एक कलवा सिद्ध कर सकते हैं। आपको इसके लिए चाहिए होगा श्मशान का राख और श्मशान का एक कोयले का टुकड़ा
मतलब जो लकड़ी चिता की होती है वो कोयला हो जाता है जल के वो। इसके अलावा आपको एक दीपक चाहिए होगा और सरसों का तेल चाहिए होगा। चाहे तो आप इस साधना को श्मशान में करें या फिर किसी ऐसे जगह पे करें जहाँ पर जीव ना हो, जीव ना विचरता हो। घर में ये साधना आप कर नहीं सकते। आप किसी शनिवार को इस साधना को शुरू करें, वो सांझ जाएँ, 1 रुपया रखें, वहाँ से थोड़ा राख और एक कोयले का टुकड़ा उठा लें, किसी भी निर्जन स्थान पर चले जाएं जहाँ पर आप साधना करेंगे। उसके बाद दक्षिण की ओर देखना है, दक्षिण की ओर आप मुख करके बैठ जाएंगे। उस राख का आप एक आसन बनाएंगे और उसी पर आप विराजेंगे, ठीक है। और सामने उस दीपक को जलाएंगे दक्षिण की तरफ मुख करके और कोयले से उसके चारों तरफ एक सर्कल बनाएंगे। और उसके बाद जो मंत्र मैं अभी देने वाला हूँ, इसका 11 माला जाप करेंगे 7 दिनों तक, हर रोज रात में। ये पूरी प्रक्रिया आपको रोज करनी है। मंत्र है, कारा करुआ आवन वीर, सब तीरिया में तेरा, शरीर हाट की मिट्टी, पैर की छाल पकड़ के मारो मंगलवार, मंगलवार कियो सिंगार, अब ना दिखोगे घर की बार, घर छोड़ो घराना छोड़ो, छोड़े मसान का ठाम, आवो तो आवे नहीं, आवे तो वेताल की लात छाती पर खावे, मेरी आन मेरे गुरु की आन, ईश्वर गोरा पार्वती महादेव की दुहाई। ये समझने वाली बात है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि इस साधना को करते के समय आपको बहुत तरह की अनुभूतियाँ होंगी, भय का आभास होगा, लेकिन गुरु मंत्र या फिर जो सुरक्षा मंत्र मैंने पहले दे रखा है उससे अपना सुरक्षा आप करके इस साधना को शुरू करोगे। बिना सुरक्षा मंत्र के इस साधना को शुरू मत करना, वरना कभी कभी कलुआ एग्रेसिव भी होता है तो बहुत घातक इसका प्रमाण होता है। 7 दिनों की जब आप साधना कर लोगे, 8वां दिन आप या फिर 7वें दिन के मध्य रात्रि के बाद कलेजा और गूगल से इसी मंत्र से दशांश हवन करोगे। इतना करने से आपको कलुआ सिद्ध हो जाएगा और कलुआ अपने आने का और आपके साथ होने का प्रमाण देगा। आपको बिल्कुल ही इस मत में नहीं रहना है कि आपका कलुआ सिद्ध हो गया है तो अब आप इससे मारण मोहन उच्चाटन वशीकरण कुछ भी करवाओगे। इससे सिर्फ और सिर्फ आप सुरक्षा के लिए छोड़ दोगे, ये अपने मन में मन से रहेगा, आएगा जाएगा जो भी करना है, लेकिन एक बात की गारंटी है कि एक बार आपने कलुआ सिद्ध कर लिया तो आपके और आपके परिवार की सुरक्षा इसकी जिम्मेदारी हो जाती है। किसी भी साधक को, खास करके गृहस्थ साधक को जो कि इस चीज़ में सक्षम नहीं है कि उसको पता चल सके कि उस पर तंत्र का प्रयोग हुआ है या उसके अधिकार क्षेत्र में किसी आत्मा का प्रवेश हुआ है, ऐसे सारे साधकों को कलवा रखना चाहिए। आज के लिए इतना ही। स्क्रीन पर आप अभी देख रहे हैं मेरी किताब है हैंडबुक फॉर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। जिनको भी भूत प्रेतों में इंटरेस्ट है, जैसे कलवा, इनसे अगर बात करना है तो इसमें बहुत सारा विधान दिया हुआ है कि आप कैसे इन भूत प्रेतों से बात कर सकते हैं। जिनको साधना का जो बेसिक मंत्र होता है, जैसे आसन, बंधन, भैरव, ये सब साधना जिनको सीखनी है, वो मेरे पेड बेसिक ग्रुप से जुड़ सकते हैं। नंबर है 9421885 85। जिनको मुझसे अपॉइंटमेंट लेना है वो मेरा वेबसाइट है www.aghortantrahasya.xyz, उस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसको इंस्टॉल कीजिए, rudranath@cm4 टाइप कीजिए, मेरा प्रोफाइल आएगा, आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आज के लिए नहीं, आप सभी को आदेश आदेश रख आदेश।